गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ रुचिका, और आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले विजन है इसकी करंट अफेयर्स, जो कि हमारी सितंबर मंथ की है। तो इसमें हमारी काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग की बाकी है सिर्फ कल्चर और कुछ न्यूज़ इन शॉर्ट्स वाली सेक्शन और गवर्नमेंट स्कीम्स। तो चलिए आज हम लोग कल्चर भी कंप्लीट कर लेते हैं। और कल मेरी यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे लेसन कंप्लीट हो चुकी है। टोटल 2 यहाँ पे पार्ट्स में आई है, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, जिससे कि आपका रिविजन भी हो जाएगा। अगर आप लोग लेसन नहीं देखे हो तो पहले लेसन भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर लेसन कम्प्लीट हो चुकी है, सबकी लिंक आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आके स्टार्टिंग से देखना होगा, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए रिसोर्स पॉइंट के नाम से, जहाँ पे आपको सारी जितनी भी मेरे लेसन की PDF वगैरह है वो भी मिल जाएगी और लिंक भी मिल जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ साइंस से रिलेटेड 3 बेसिक मैं क्वेश्चन दी हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बतानी है कि ई सिगरेट से आप क्या समझते हो, किसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, इसके बारे में आपको कुछ एक्सप्लेन करनी है। सेकेंड है कि यहाँ पे आपकी इंडियन नेशनल कमिटी, इसको किसने डिस्टैब्लिश किया था 1962 में, फिर बाद में इसका नाम बदल के इसरो रखा गया था, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो उस महान व्यक्ति का नाम बताना है आपको जो कि इसको इस्टैब्लिश किए थे। थर्ड है यहाँ पे कि 12 साइंटिस्ट को अभी यहाँ पे प्रेस्टीजियस शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया गया। तो ये जो आपका शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाता है, तो ये किस फील्ड में दिया जाता है, उस फील्ड का नाम बताना है। और इस बार जो 2019 के लिए दिया गया है, ये टोटल 12 साइंटिस्ट है। ओके, तो ये 3 बेसिक क्वेश्चन है जिसके आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। अब चलिए हम लोग अपनी कल्चर के लेसन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कल्चर में फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है न्यू फाइंडिंग्स ऑन द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा, यहाँ से आपका रिवीजन भी बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ फाइंडिंग्स मिली है, जिससे कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसकी पतन होते हुए दिख रही है। अब न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि एक रिसेंटली DNA एनालिसिस किया गया कुछ स्केलेटन का, जो कि यहाँ पर राखी गाड़ी साइट में देखने को मिला था। यानी कि राखी गाड़ी साइट में ये मिली थी, कुछ स्केलेटन जो होते हैं वो मिली थी, उसका DNA एनालिसिस हुआ था, तब यहाँ पर पता चला। और ये आर्यन इन्वेशन थ्योरी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हुई, यानी कि कुछ जो आर्यन पीपल्स थे हमारे यहाँ जब आए थे, तो उनके बारे में आने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुई है। कुछ और देख लेते हैं इस न्यूज़ में और क्या निकल कर आई। एक पेपर है जिसका नाम रखा गया एंसेंट हड़प्पन जीनोम लैक एंसिस्ट्री फ्रॉम स्टिप पेस्टोलिस्ट एंड इरारियन फार्मर्स। ये एक तरीके का पेपर है, इसका नाम रखा गया था, टाइटल है, और ये अभी रिसेंटली पब्लिश किया गया, जिसमें कि चैलेंज किया गया है कुछ पॉइंट्स जो कि आर्यन इन्वेशंस को लेकर है। तो यहाँ पे जो पेपर है वो यहाँ पे इंडिकेट करिए कि कोई भी आर्यन जो है नहीं आए थे, और कोई भी आर्यन की माइग्रेशन नहीं हुई थी, और जितनी भी डेवलपमेंट राइट्स है ना वो यहाँ पे हंटिंग और गैदरिंग करके हुआ था। यानी कि मॉडर्न टाइम्स में जब साउथ एशिया में आप लोग देखोगे, तो उस समय जानवर को हंटिंग किया जाता था, मारा जाता था, और एक साथ गैदर करके जो है यहाँ पर उनका काम चलता था। तो जितनी भी डेवलपमेंट राइट्स है वो यहाँ पर हंटिंग और गैदरिंग करके हुआ था, ना कि कोई आर्यन के आने से हमारे साउथ एशिया में यहाँ पर आपका जो डेवलपमेंट हुआ था। बेसिकली यही माना जाता है कि हमारी जो डेवलपमेंट हुई थी वो आर्यन के आने से ही हुई थी, लेकिन यहाँ पे कुछ नया कंसेप्ट बताया जा रहा है कि यहाँ पे आर्यन के आने से हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई थी, हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट हुई है वो हमारे यहाँ के लोगों के द्वारा की गई है, जो कि यहाँ पे हंटिंग और गैदरिंग करके वो करते थे। साथ ही आप देख लेते कि ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्या थी। अगर हम लोग इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें, जो कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे मॉर्टिमर व्हीलर थे, उनके द्वारा दिया गया, और वो ये बताते हैं कि इंडो यूरोपियन जो ट्राइब थे, जो कि स्टेपी पेस्टोरलिस्ट थे, और ये आपको एंटोलियन से भी देखने को मिलेगा, और इरानियन ये फार्मर्स भी थे, और पेस्टोलिट्स भी है जिसको हम लोग आर्यन भी कहते हैं, तो ये सडनली जो है ओवरवेल्म हुए थे, और इंडियन रिवर वैली के पास वो जो है वहाँ पे रहने लगे थे, जिसके कारण जो है इंडियन वैली सिविलाइजेशंस की डिक्लाइन हो गई थी, यानी पतन हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिला कि बहुत सारे कॉर्पस को अनब्यूरिड किया गया, और वो भी टॉप लेवल में, यानी कि मोहनो जो यहाँ पे मोहनजो जो दारो थे, मीन्स जो जगह है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है टॉप लेवल में खुदाई हुई थी, और खुदाई से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ जो है देखने को मिली थी। तो इस समय जो विक्टिम में जितने भी वॉर में जो विक्टिम्स थे ना, उस समय जो युद्ध लड़ाई होती थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उसमें जितने से भी विक्टिम थे ना, उनकी बॉडी के कुछ स्केलेटन यहाँ से निकले। तो ये थ्योरी यहाँ पे सजेस्ट करती है कि यहाँ पे हॉर्स को यूज़ किया जाता था, बहुत ही ज़्यादा एडवांस वेपन थी जो कि यहाँ पे पीसफुल हड़प्पन पीपल्स के अगेंस्ट में यूज़ किया जाता था, तो आर्यन जो है ना वो ईजिली इनको हरा देते थे। फिर एविडेंस जो ऋग्वेदिक से निकल कर आया, तो ऋग्वेद टाइम जो थी, फिर उसके बाद अगेन आप देखोगे तो यहाँ पर फोर्ट्रेस देखने को मिला दास का और दस्यूज़ का।
तो ये जो वैदिक गॉड इंद्र है ना, इनको हम लोग जो है पुरांदरा कहते हैं। तो पुरांदरा का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे फोर्ट्स का डिस्ट्रॉय करना, यानी कि जितने भी किले वगैरह हैं उनको यहाँ पे मार गिराना, मीन्स मार गिराना क्या, यहाँ पे उनका जो है खत्म कर देना। जो जियोलॉजिकल एरिया है हमारे ऋग्वैदिक आर्यंस के हैबिटेशंस का, तो उसमें कहाँ कहाँ है, ये पंजाब में देखने को मिलेगा और घाघर हकरा रीजन में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक कोई भी कल्चरल ग्रुप्स की रिमेन्स यहाँ पर नहीं मिली है, यानी कि इस तरीके का जो फोर्ट्स है ना इस एरिया में, यानी कि पंजाब वगैरह एरिया में, और जो भी आपका हिस्टोरिकल फेजेस है उसमें अगर कोई भी यहाँ पे हम लोग फोर्ट्स की बात करें तो उसमें कोई भी कल्चरल ग्रुप्स का हिस्सा नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे बिलीव किया जाता है कि ये हड़प्पन साइट्स में था, जो कि उस समय हम लोग ऋग्वेद में इसको देखे थे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो ऋग्वेद है वो यहाँ पे एक प्लेस को मेंशन करती है जिसको हम लोग हरियुप्पिया कहते हैं। तो ये जो प्लेस है ना, ये हमारे रिवर रवि रावी रिवर के बगल में ये आपकी स्थित है। उसके बाद आर्यन जो है एक बैटल भी फाउट किए थे यहाँ पे हरियुप्पा हरियुप्पिया रिवर के हरियुप्पिया रिवर में। जो यहाँ पे इस जगह का जो नाम है ना वो काफ़ी सिमिलर देखने को मिलता है हड़प्पा से। तो ये सारी एविडेंस थी जो कि व्हीलर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि ये आर्यन इन्वेडर्स थे जो कि पूरी तरीके से हड़प्पा साइट्स को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिए। यानी कि आर्यन आए थे तो आर्यन जो रावी रिवर है, रावी रिवर के किनारे वो बसे थे, लेकिन वहीं पर वो लोग एक बैटल लड़े थे। तो बैटल लड़ने से क्या हुआ कि जो हरियुप्पा रिवर थी ना, हरियुप्पा रिवर के बगल में जो भी उस पर जो बैटल हुआ था, उस बैटल में जो है पूरी तहस नहस हो गई, और उसके बाद जो हड़प्पा साइट्स है उसकी पूरी तरीके से पतन हो गई। तो इसलिए पूरा जो यहाँ पे आपका कहा जाता था कि आर्यन के इन्वेडर्स के कारण जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। लेकिन अब देखते हैं कि क्या क्या न्यू स्टडी के द्वारा यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए जा रहे हैं। फैक्ट्स में बताया जा रहा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस में रहने वाले जो लोग थे वो वहाँ के डिस्टिंक्ट इंडिजिनस पीपल्स थे, और जो उनके स्केलेटन का जो डीएनए देखने को मिल रहा है वो आज भी यहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन है वहाँ के उनसे मैच कर रहा है। तो जो स्केलेटन है ना वो अभी भी जो सिटेडल एरिया है मोहनजोदड़ो का और उसके ऊपर वाले पार्ट में मिलता है, जो कि उस समय जब वहाँ पे फ्लड आई थी तो उससे जो लोग डेड हुए थे ना, तो उनसे जो डीएनए है वो काफ़ी मिल रहा है। और यहाँ पे कुछ स्मॉल मूवमेंट भी हुआ था लोगों का, यानी कि सेंट्रल एशिया से भी लोग आए थे और उनकी भी जीन मिक्सिंग दिख रही है, यानी कि सेंट्रल एशिया के भी लोगों का यहाँ पे जीन मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई भी तरीके का अटैक नहीं है जो कि इंटायर पॉपुलेशन को रिप्लेस कर पाई है, ये अभी न्यू फाइंडिंग में पता चला। जैसे कि हम लोग पहले जान रहे थे कि वहाँ पर कुछ बैटल वगैरह हुआ था, तो ऐसा कोई अटैक नहीं पता चल रहा है। अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक जीनोम देखें जो कि उस पॉपुलेशन का था, तो वो लार्जेस्ट सोर्स है हमारे साउथ एशियन का, और जो पॉपुलेशंस है उसमें कोई भी तरीके का डिक्टेबल एंसेस्ट्री नहीं है जो कि स्टेपी पैस्टोरलिस्ट का है या फिर एंटोलियन का है या फिर इरारियन फार्मर्स का है। तो इन सब से रिलेटेड कोई भी वहाँ के पॉपुलेशंस नहीं थे ऐसा कहा जा रहा है। अब फार्मिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे पाया गया था इस रीजन में कि यहाँ पे ईरान से माइग्रेट होकर लोग आ रहे थे। मोस्ट सिग्निफिकेंटली अगर हम लोग देखें तो जो हड़प्पन की जीन है ना, जो कि आज भी प्रेजेंट है, तो वो यहाँ पे साउथ एशियन के लोग की ही जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। कुछ और थ्योरी जो कि यहाँ पे बताती है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का पतन हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी थ्योरी है जो कि बताती है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का पतन हुआ है। तो उसमें से सबसे पहला है कि फ्लड और अर्थक्वेक, यानी कि यहाँ पे एक एविडेंस निकल कर आया, जैसे कि बहुत सारे हाउसेस और बहुत सारा जो स्ट्रीट्स वगैरह था ना, वो यहाँ पर लार्ज जो सिल्ट डिपॉजिट है, यानी कि बहुत ही बड़ा जो मलबे का ढेर है ना, उसके अंदर वो बस गया, इंडस एरिया भी बस गया, और ये पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया था जब यहाँ पर अर्थक्वेक आया था। तो ऐसा बताया जाता है कि अर्थक्वेक आने से, फ्लड आने से पूरी तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन तहस नहस हो गया था। लेकिन क्रिटिसिस्म की बात करें तो यहाँ पे जो सेटलमेंट का डिक्लाइन बताया जा रहा है वो इंडस वैली के बाहर बताया जा रहा है, जो कि आज तक एक्सप्लेन नहीं किया गया और इस थ्योरी के द्वारा नहीं एक्सप्लेन किया गया। और जो भी रिवर है ना वो यहाँ पे टेक्टोनिक इफेक्ट के द्वारा जो है यहाँ पे डैम नहीं किया जा सकता। साथ ही सेकंड यहाँ पे जो रीज़न बताया जाता है कि ये कि इंडस सिविलाइजेशन को छोड़कर लोग जो है दूसरी जगह शिफ्ट कर गए। तो यहाँ पे भी एक एविडेंस है कि जो हड़प्पा में, क्योंकि विंड एक्शन बहुत ज़्यादा था, सैंड और सीट बहुत ज़्यादा आते थे, यानी कि मलबे का ढेर बहुत ज़्यादा था, तो इसके कारण जो है ना लोग क्या हुआ कि उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले गए। उसके बाद थर्ड यहाँ पे बताया जाता है कि एरिडिटी, यानी कि मरुस्थली बहुत ज़्यादा हो गया था, जो घाघर है वो पूरी तरीके से सूख गई थी। तो यहाँ पर बहुत सारी एविडेंस है, जैसे कि यहाँ पर जो एरिड कंडीशन है वो बढ़ रही थी जिसके कारण एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं हो पा रहा था, टेक्टोनिक मूवमेंट हो रही थी जिसके कारण जो घाघर रिवर है ना वो पूरी तरीके से सूख गई थी। तो पहले के ज़माने में आप लोग जानते हो, आज भी जानते हो कि रिवर में हम लोग कितने ज़्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन पहले कुछ ह्यूज डिपेंडेंसी था क्योंकि लोग इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं थे, इतने ज़्यादा इंप्लॉयड नहीं थे, डिफरेंट सर्विसेज नहीं थी। उस समय लोग जो है हंटिंग करते थे, गैदर करते थे, पानी के बगल में रहते थे, पीते थे, नहाते थे, खाते थे, वो सारा चीज़ जो है पानी के बगल में ही करते थे, उनकी सिंचाई वगैरह होती थी। तो अगर इसलिए वहाँ पर पानी सूख गई थी तो वो लोग जो है ना उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले गए थे, तो ऐसा माना जा रहा है।
तो इसमें क्रिटिसिज्म में कहा जा रहा था कि जो घाघर रिवर की बताया जा रहा था कि उस समय सूख गया था, तो अभी तक जो घाघर रिवर की जो सूखने की जो खबर है वो आज तक तो हम लोग को नहीं मिली है। तो ये सारी जो है कुछ और भी थ्योरीज है जिसको आपको माइंड में रखना है कि इस तरीके की बात की गई है। अब यहाँ पे राखीगढ़ी साइट की बात की गई है, तो इस साइट से भी डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो राखीगढ़ साइट है ये वन ऑफ द फाइव नोन बिगेस्ट टाउनशिप है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जो कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर आपको देखने को मिलेगा। फाइव इंटरकनेक्टेड मोड्स है जो कि इस पूरे ह्यूज रिवर में स्प्रेड है, और वो भी यहाँ पे राखीगढ़ी यूनिक साइट्स बनाती है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैच्योर हड़प्पन फेज आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे प्लान्ड टाउनशिप के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था। मड ब्रिक्स थे, साथ ही साथ बर्न्ड ब्रिक हाउस है, यानी कि यहाँ पे कच्चे जो ईंट वगैरह है और ईंटों को जलाकर यहाँ पे घर वगैरह बनाया गया था। साथ ही सिरेमिक इंडस्ट्री भी यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट होते हुए दिखेगी। साथ ही यहाँ पे एनिमल सेक्रीफाइस पिट लाइन भी थी मड ब्रिक के साथ, ट्रायंगुलर और सर्कुलर जो यहाँ पे फायर्स है वो सब कुछ भी दी थी। तो राखीगढ़ी साइट जो है बहुत ही बड़ा साइट्स है और इसके बारे में आपको याद रखना है। ओके, तो ये पूरी कहानी रही मीन्स एक स्टोरी की तरह थी हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेकर। तो यहाँ पे आपका जो बेसिक क्वेश्चन बनेगा वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है उससे क्वेश्चन बन सकती है। ओके, नेक्स्ट है हमारी संगम एज। तो संगम एज के बारे में भी आप लोग को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे तमिलनाडु में एक जगह है खिलाड़ी, तो खिलाड़ी में एक्सकवेशन हुआ, यानी कि वहाँ पे भी खुदाई हुई। और कुछ टाइम पीरियड यानी कि संगम एज जो था ना, जैसे 6 सेंचुरी BCE से लेकर 1 सेंचुरी AD में थी, तो वहाँ पर कुछ यहाँ पर भी निकल कर आई। तो जो रिज़ल्ट यहाँ पर निकल कर आया इस तरीके से खुद, तब और देखते हैं कि और न्यूज़ में से क्या बात निकल कर आई है। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट निकला है वो यहाँ पे एग्जर्वेशन से, तो यहाँ पे जो खुदाई हुई है उससे ये निकल कर आया कि सेकंड अर्बनाइजेशन जो है वो वेगई प्लेन का था। तो फर्स्ट कब हुआ था? फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में हुई थी, और सेकंड जो सिविलाइजेशन थी वो यहाँ पे अर्बन सेकंड जो यहाँ पे अर्बनाइजेशन थी वो यहाँ पे वेगई प्लेन में हुआ। तो वेगई रिवर आपको तमिलनाडु के में देखने को मिलता है, तो उसी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो वेगई प्लेन की बात करें तो यहाँ पर लिटरेसी लर्न, यहाँ पर जो आर्ट थी कि किस तरीके से लिखना है, ये सब कुछ स्टार्ट हो गया था अर्ली फेज़ में, यानी 6 सेंचुरी में ही स्टार्ट हो गया था। तो BC मीन्स बिफोर क्रिस्ट होता है, तो उसी समय से ये स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे कुछ और भी एविडेंस है कि जैसे कि एग्रेरियन सोसाइटी थी, कैटल रेयरिंग वगैरह होती थी, वीविंग इंडस्ट्री थी मीन्स यहाँ पे कपड़ा उपड़ा बनाने का, सुई धागा का सारा उद्योग लगा हुआ था, और अच्छा खासा खेती वगैरह होता था। तो ये सारी चीज़ भी निकल कर आई, लेकिन यहाँ पर डाउट है टाइम पीरियड को लेकर, यानी कि संगम एज की टाइम पीरियड को लेकर, और जो यहाँ पर लिटरेसी जो स्कॉलर्स है उनकी जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट डिफरेंट है। कुछ जो यहाँ पे थ्री आपको डिविजन्स देखने को मिलेगा, 5th सेंचुरी से लेकर 5th सेंचुरी BC से लेके AD तक, तो AD आपका एनो डोमिनी होता है, BC आपका बिफोर क्रिस्ट है, 2nd सेंचुरी से लेके 3rd सेंचुरी, और 10th सेंचुरी से लेके यहाँ पे 5th सेंचुरी। तो इस तरीके का ये आपका थ्री डिवीजन किया गया है, तो वो सब आप लोग छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको बेसिकली समझना है कि बहुत सारी सोर्सेज है जो कि एविडेंस दिखाती है और जिसके कारण हम लोग जानते हैं कि संगम एज एग्जिस्ट करती है। ओके, तो पहले आप लोग समझिए कि संगम एज एक्चुअली हो है क्या और किस समय को हम लोग कहते हैं। तो संगम एज अगर पॉलिटी के बारे में अगर हम लोग देखें, तो जो तमिल कंट्री थी वो यहाँ पे 3 डायनेस्टी के द्वारा रूल की गई है, जो कि आप लोग भी जानते होंगे, चेरा, चोला और पांड्यास। तो ये रॉयल एम्ब्लेम था इनका बो, टाइगर और कार्प मीन्स फिश था। हेरिडिट्री मोनार्की थी, यानी कि अगर पिता का मृत्यु हो जाती है तो उनके गद्दी पे जो है उनके पुत्र बैठेंगे, फिर उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उनके पुत्र बैठेंगे। तो इस तरीके का जो हेरिडिट्री मोनार्की है, राजा वाला सिस्टम, वो वहाँ पे चलता था, और इस तरीके से वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई जाती थी संगम पीरियड के टाइम में। जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से होता था, और हर एक रूलर को यहाँ पर एक रेगुलर आर्मी को यहाँ पर मैनेज करना होता था। अब यहाँ पर संगम एज की सोसाइटी के बारे में देखें, तो तोलका पीएम जिसको हम लोग यहाँ पे 5-fold division कहते हैं, लैंड का किस तरीके से यहाँ पे डिवीज़न करना है, तो 5 तरीके का था। पहला था हिली ट्रैक जो हिली रीजन में था, दूसरा है पेस्टोरल और जिसको हम लोग मुलाई भी कहते हैं, थर्ड यहाँ पे एग्रीकल्चर जिनको खेती वगैरह करना है, फोर्थ यहाँ पे कोस्टल यानी कि तमिलनाडु के जो कोस्टल वाला एरिया है, पानी वाला एरिया, फिफ्थ है यहाँ पे डेजर्ट कि यहाँ पे मरुस्थलीकरण भी जो यहाँ पे ज़मीन वगैरह है उसके। तो इस पांच हिसाब से जो इस पांच कैटेगरी में जो ज़मीन है उसको यहाँ पे वर्गीकृत किया गया। जो पीपल्स यहाँ पे इस तरीके के 5 डिविजन्स में रहते थे वो अपने चीफ ऑक्यूपेशंस को लेकर काफ़ी रिस्पेक्टिव थे, साथ ही गॉड्स को भी जो कि उनका पूजा किया करते थे।
तो ओल्का पीएम की बात करें तो यहाँ पे फोर कास्ट भी था, जैसे कि यहाँ पे रूलिंग क्लास थी जिसको आरासर कहते हैं, उसके बाद प्रिस्ट थे, पुजारी वगैरह, फिर ट्रेडर्स थे, व्यापारी वगैरह, फिर एग्रीकल्चरल्स थे जो कि यहाँ पे खेती वगैरह करते थे। वीमेन की करेज देखें तो उनको भी काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता था बहुत सारे पोएम में। और जो विडोज की जो लाइफ है वो काफ़ी मिजरेबल थी, काफ़ी प्रैक्टिस ऑफ सती वहाँ पर चलती थी। तो प्रैक्टिस ऑफ सती कहने का मतलब है कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसी के आग में जो विमेन थी उनको भी जिंदा ही जल के मर जाना होता था। तो इस तरीके का जो प्रैक्टिस होता था वो उस समय बहुत चलता था संगम एज में। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो काफ़ी ट्राइब्स भी थे, जैसे टोडास, इरुलस और नागास, ये सारे जो है तमिलनाडु एरिया में रहते थे। अब संगम एज की अगर इकॉनमी की बात करें तो एग्रीकल्चर वहाँ का चीफ ऑक्यूपेशन था। राइस बहुत ज़्यादा वहाँ पे अच्छा खासा उगाया जाता था, जैसे रागी, शुगर केन, कॉपर और पेपर, जिंजर, टर्मेरिक, सिनामेन, ये सारी चीज़ें जो है और वैरायटी ऑफ फ्रूट्स वहाँ पे उगाई जाती थी। लैंड रेवेन्यू एक चीफ सोर्स था स्टेट की इनकम का। साथ ही हैंडीक्राफ्ट अगर हम लोग संगम पीरियड में देखें तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी, जिसमें कि वीविंग, हाथ से बुनाई, कढ़ाई चलती थी, मेटल वर्क चलता था, कारपेंट्री चलती थी, शिप बिल्डिंग और ऑर्नामेंट भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रोमिनेंट थे। मेन एक्सपोर्ट के एरिया देखें कि कौन कौन सी चीज़ें जो है उस तमिलनाडु एरिया से एक्सपोर्ट होती थी, बाहर जाती थी, तो वो कॉटन फेब्रिक है और कुछ मसाले हैं, इवोरी प्रोडक्ट है, पर्ल्स है और प्रीशियस स्टोन है। और वहीं अगर गोल्ड गोल्ड और हॉर्सेस और स्वीट माइन वाइन की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट करते थे, यानी कि तमिलनाडु वाले एरिया में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होती थी। तो ये बेसिक सी चीज़ें जो कि आपको संगम एज के पॉलिटी और इकॉनमी और सोसाइटी के बारे में पता चला। अब यहाँ पे समझते हैं कि बहुत सारी सोर्स है जो कि बताती है कि संगम एज उस समय थी। तो सबसे पहला है कि स्टोन इनक्रिप्शन है, यानी कि अशोका की एडिक्ट आप देखोगे चेरा चोलिया पांड्या किंगडम में, तो उसमें बहुत सारी इंस्क्रिप्शन है, यानी कि खुदाई मीन्स स्टोन में लिखा हुआ रहता है, तो उस तरीके से निकला। उसके बाद कॉइन बहुत सारी मिली मदुराई से, जिसमें कि इंडिकेट किया गया था कि तमिल और रोमन जो है उस समय अगर ट्रेड करते थे तो उनके बारे में। उसके बाद आर्कोलॉजिकल एविडेंस भी दिया गया जो कि काफ़ी कन्फर्म करती है कि वहाँ पर व्यापारी भी होता था, यानी कि रोम और तमिलनाडु के बीच में जो है संगम एज में काफ़ी यहाँ पर आपका व्यापारी भी होती थी। फॉरेन अकाउंट की बात करें तो संगम लिटरेचर में फॉरेन लिटरेसी जो है उनकी अकाउंट थी, जैसे ग्रीक और रोमन के राइटर्स जो है आज भी उसको काफ़ी रिसोर्सफुल सोर्सेज समझते हैं किसी भी संगम एज को पढ़ने के लिए। साथ ही यहाँ पे आप देखोगे तो मेगास्थनीस भी थी उनकी बुक जो कि इंडिका है, तो यहाँ पे रेफर किया गया है थ्री तमिल किंगडम के बारे में। संगम लिटरेचर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि तोलका पीएम है सबसे पहली, उसके बाद उथुकोई है, फिर आपको पातु पत्तू देखने को मिलेगा। तो ये सारी वर्क है जो कि यहाँ पे काफ़ी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिसके कारण हम लोग जो है संगम एज की हिस्ट्री को जान पाते हैं। तोलका पीएम के बारे में बात करें तो तोलका पीयर के द्वारा लिखा गया था, जिसमें कि ग्रामर को कंसीडर किया जाता है और यहाँ पे पॉलिटिकल और सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो दिखाया जाता है संगम एज का। इथुकोई की बात करें तो यहाँ पे एट वर्क रखा गया है, आठ तरीके का काम। और पातु पातु की बात करें तो यहाँ पे आपका जो है 10 डिफरेंट लिटरेरी वर्क के बारे में बताई गई है। ट्विन इपिक्स है, यानी कि दो तरीके की आपकी जो है ट्विन इपिक्स है, जैसे कि सीला पाथीग्रम है और मानी मेघलाई है। तो सॉरी फॉर द प्रोनंसिएशन, क्योंकि साउथ की कुछ प्रोनंसिएशन में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पे समझ जाइएगा। जिसको यहाँ पे पोस्ट संगम पीरियड के बाद भी ये काफ़ी वहाँ पे प्रचलित थी। यहाँ पे बिलीव किया जाता है कि थ्री संगम यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट संगम जो है वो यहाँ पे मदुराई में थी, सेकंड संगम जो है वो यहाँ पे कापड़ापुरम में थी और पांड्या किंग में थी, और यहाँ पे थर्ड जो और उसके बाद पांड्या किंग के द्वारा जो है यहाँ पे थर्ड संगम को मदुराई में इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, जो कि बेसिक फैक्ट्स के रूप में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ओके, अब आते हैं थर्ड यहाँ पे आर्टिकल है, जो कि यहाँ पे है डिंडीगुल लॉक और कंडागी साड़ी गेट जीआई टैग। ओके, तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स टैग मिला है तो डिंडीगुल लॉक को और कंडांगी साड़ी को। तो यहाँ पे रिसेंटली जो है इस तरीके की दोनों साड़ी को तमिलनाडु से ही यहाँ पे आपका दिया गया है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स दिया गया है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स क्या होता है, किसी भी जगह की बहुत ही ज़्यादा जो प्रचलित चीज़ें होती है जिसको वैश्विक स्तर पर यानी कि वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में जिसको बहुत ही ज़्यादा एक रिकॉग्निशन प्रोवाइड करे और उनकी स्पेशलिटी को बाहर निकाल कर लाए और वो एक यूनिक फीचर्स उसमें से दिखा सके। तो इन सारी चीज़ों को जो है ना, तो उसको हम लोग ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स देते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मीन्स उस एरिया की, उस ज्योग्राफी की वो इंडिकेट है। यानी कि अगर आप लोग ये कह रहे हो कि डिंडीगुल लॉक, तो डिंडीगुल लॉक से हम लोग समझ जाएंगे कि ये एक तमिलनाडु का एरिया है जहाँ पे ये साड़ी मिलती है, तो इस साड़ी के नाम पे जो है उस एरिया की पहचान हो रही है। ओके, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हो।
जैसे अल्फेंसो मैंगो है, तो ये हम लोग रत्नागिरी से लेते हैं महाराष्ट्र के, तो अल्फेंसो मैंगो बोलने से ही हम लोग समझ जाएंगे कि अच्छा ये रत्नागिरी की ये आपकी पहचान है, तो उस ज्योग्राफी की ये इंडिकेटर हो गए। तो इस तरीके से ज्योग्राफी इंडिकेटर दिया जा रहा है, जैसे कि वो सारी जो प्रोडक्ट्स है, चाहे वो कोई गुड्स हो, सर्विसेज हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे खाने की चीज़ हो या फिर पहनने की चीज़ हो, चाहे आपकी कुछ कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हो या फिर कुछ भी हो, तो कोई भी चीज़ अगर बहुत ही ज़्यादा फेमस है किसी भी पर्टिकुलर ज्योग्राफी से, तो उसको यहाँ पर इंडिकेटर के रूप में दिया जा रहा है। तो इस बार दो को दिया गया है, वो भी दोनों तमिलनाडु से ही है। तो डिंडी लॉक के बारे में समझते हैं, इसको हम लोग सुपीरियर क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी भी कह सकते हैं। लॉक है मीन्स ताला है, ओके। तो लॉक जो है वो यहाँ पे आयरन और ब्रास का बना हुआ है, और ये पूरी तरीके से हैंडमेड है, यानी कि हाथ से बनाई गई है। एक तरीके का यूनिक आपको देखने को मिलेगा ये लॉक है, जो कि डिफरेंट लेवल पैटर्न पे डिज़ाइन किया गया। डिंडीगुल सिटी जो है ना, इसको हम लोग लॉक सिटी भी कहते हैं, ओके। और यूनिक फीचर्स है इसकी, ये जितनी भी यूनिक फीचर्स है उसके हटके अगर हम लोग देखें, तो लॉक इंडस्ट्री जो है ना फ्यू ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा डाई हो चुकी है, यानी कि अब लॉक इंडस्ट्री उतना ज़्यादा चलती नहीं है। तो इसीलिए स्टिफ कॉम्पिटिशन्स के लिए इस तरीके का लॉक इंडस्ट्री जो है ना अलीगढ़ और राजापल्लियम में अभी भी देखने को मिलेगा। उसके बाद जो सेकंड यहाँ पे जीआई टैग मिला है वो है खंडंगी साड़ी को। कंडंगी साड़ी की बात करें तो ये हाथ से बुना हुआ कॉटन की साड़ी है, जो कि कराईकुड़ी तालुक में, ये आपका जो है एक तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मैन्युफैक्चर की जाती है। ये हाई क्वालिटी कॉटन से बनी हुई है और ये कॉम्बिटूर में है। और कंडांगी साड़ी जो है ना, ये आपका देवांगा क्षेत्रीय जो विमेन होती है ना, मीन्स चेतियार कम्युनिटी के, उनके द्वारा बनाई जाती है। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक इस साड़ी की वो ये है कि इसकी ब्राइट कलर होती है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और इसमें अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो लार्ज यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर दिया जाता है, जो कि 2/3 जो है इस साड़ी का पूरी तरीके से कवर किया जाता है। लेकिन इस साड़ी में आपको देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से 2/3 जो इस साड़ी का है वो पूरे बॉर्डर से कवर किया जाता है, और इसमें कलर जो होते हैं बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग साड़ी होती है। तो और पूरी तरीके से हाथों से बनाई जाती है ये साड़ी, तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा यूनिक फीचर्स इसमें होता है, ओके। तो ये दोनों आपको याद रखनी है। तो इसी के साथ हमारी कल्चर लेसन आज कंप्लीट हो गई। कल हम लोग देखने वाले हैं इथिक्स की एक लेसन मैं दे दूंगी, साथ ही साथ ये तो बहुत एक ही इस बार के टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज एंड इथिक्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें आप लोगों को काफ़ी न्यू चीज़ें भी पता चलेगी कि किस तरीके से इथिक्स के पेपर लिखनी चाहिए। तो ये मैं दे दूंगी, जब भी मैं बिज़ी रहूँगी तो इस तरीके की शॉर्ट लेसन आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, लेकिन न्यूज़ इन शॉर्ट और आपकी जो गवर्नमेंट स्कीम है वो मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूँगी, ओके। तो मेन जो एरिया है आपका पूरी तरीके से इस मंथ की मैगजीन्स का कंप्लीट हो चुका है, तो रेस्ट ऑफ द टॉपिक आप लोग को मिलती ही रहेगी डेली बेसिस पर, जब तक हमारी अक्टूबर मंथ की मैगजीन नहीं आ जाती है, ओके। तो गाइज यहाँ पे अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब जरूर दिया कीजिए, और इसके बाद आपको वो भी अभी लेसन मिल जाएगी जिसमें कि हम लोग इनसाइट्स आईएएस की जो क्वेश्चन सीरीज़ यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो उसकी भी लेसन आपको हाफ एन आवर में मिल जाती है। तो उसके लिए भी वेट कीजिए, और उसी को सेम डे भी आप लोग जो है वहाँ पर प्रैक्टिस भी कर लिया कीजिए। तो यहाँ पर पढ़ते जाइए, साथ ही साथ प्रैक्टिस करते जाइए, बस इसी मुहिम को लेकर मैं यहाँ पर आगे बढ़ रही हूँ। तो बस आप लोग का एक ड्यूअल प्रैक्टिस होना चाहिए और अच्छे तरीके से आप लोग सारी चीज़ों को कवर करके चलो। एट द एंड ऑफ द डे आप लोग को बस यहाँ पर एक फिट होना चाहिए और एक पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आना चाहिए, जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ, जो भी चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हो, ओके। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं श्योरली आंसर करूँगी। एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको मेरे नेक्स्ट लेसन की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। सो थैंक यू।